दोस्तों, ये वाला घर जो आप देख रहे हैं, जो सामने लकड़ी का गेट लगा हुआ है, यह रेखा जी का घर है। इसी में वह रहती हैं और उनका घर जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा बादाम के पेड़ से ढका हुआ है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में उनका जो घर है वह अच्छे से दिखाऊंगा, इसलिए कृपया आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देख के जाइए। दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में रेखा जी का घर। दोस्तों, जितना प्यार मोहब्बत आपने मुझे पुराने वीडियो में दिया है, कृपया कर आप उतना ही प्यार मोहब्बत इस वीडियो में देना। दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आ पहुँचा हूँ रेखा जी के घर पे, और इस बार दोस्तों मैं आपको समुंदर नहीं दिखाऊंगा, समुंदर इस बार मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, उस बार बहुत से लोगों का कहना है कि आपने हमें रेखा जी का घर नहीं दिखाया है, आपने सिर्फ हमको समुंदर का सीन दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज हम आपको रेखा जी का घर अच्छे से दिखाते हैं। अगर आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उस वीडियो पर व्यूज़ इतने सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे से क्या गलती हुई थी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, इस बार मैं पहले आपको रेखा जी का घर ही दिखाऊंगा, और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, और इतने अच्छे तरीके से उनका घर दिखाऊंगा कि ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। और रेखा जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां बताऊंगा। समुंदर भी दिखाएंगे हम आपको, लेकिन समुंदर हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको रेखा जी का घर दिखाते हैं और उनके घर की लोकेशन बताते हैं कि रेखा जी का घर कहाँ पर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम रेखा जी के घर पर। दोस्तों, हम अभी बांद्रा के बैंड स्टैंड एरिया में चल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने शानदार ऊंचे ऊंचे यहाँ अपार्टमेंट बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह रोड बहुत कम ही चलता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है घूमने वाले आते हैं, बस घूमने के हिसाब से यह बहुत ही अच्छा है। और यहाँ साइड में समुंदर भी है, समुद्र का व्यू। तो चलिए दोस्तों, सीधा मिलते हैं हम आपसे रेखा जी के घर पर पहुँच कर। दोस्तों, ये वाला घर जो आप देख रहे हैं, यह है फरहान अख्तर सर का, और इसी के ठीक साइड में आप देख सकते हैं यह वाला घर दोस्तों जो है, यह रेखा मैम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी का गेट यहाँ बहुत बड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है उनका जो सिक्योरिटी हाउस है, जो जहाँ पे गार्ड बैठते हैं, वो भी देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने का बना हुआ है। और उनका जो घर है दोस्तों, उसके क्या कहने, यहाँ पे एक बादाम का पेड़ लगा है सामने, इसी वजह से पीछे का नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपका पीछे का व्यू भी दिखाता। तो यही है दोस्तों रेखा जी का घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखा जी ने पुराने समय का लकड़ी का गेट अपने घर पर लगा के रखा है, ये देखिए गाइस। और यहाँ साइड में भी बहुत ही शानदार घर बने हुए हैं। यह है दोस्तों बांद्रा का बैंड स्टैंड एरिया है, और इसी में जो है हमारे फिल्म स्टार और सुपरस्टार के जो है यहाँ पे घर हैं। तो यही है दोस्तों रेखा जी का घर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा जो है बादाम का पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊँचे ऊँचे अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, और उसके सीधे सामने आप देखेंगे तो समुंदर की प्यारी प्यारी लहरें जो है यहाँ पे आ रही हैं। और समुंदर का जो व्यू है दोस्तों, वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ में आप ये देखिए यहाँ पे कितने सारे जो टूरिस्ट हैं, अभी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ समुंदर की जो हवा है वो बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है चलती हैं। तो यही है दोस्तों रेखा जी का घर। मैं पहले भी यहाँ पर आया था, वो वाले वीडियो को तो आप लोगों ने खूब प्यार दिया है, कृपया कर आप इस वीडियो को भी प्यार मोहब्बत दीजिए। चलिए, मैं थोड़ा आपको आउट साइड से जो है रेखा जी का घर दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर अंदर से थोड़ा बहुत दिखता है तो हम आपको रेखा जी का घर दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, यही उनका गेट है। तो चलिए साइड में चलते हैं, हम आपको फरहान अख्तर सर का घर भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसी के साइड में जो है फरहान अख्तर सर का घर बना हुआ है। तो हम चलते चलते आपको जो है फरहान अख्तर सर का घर भी दिखा देते हैं। फरहान अख्तर को तो आप लोग पहचानते होंगे, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म में जो है मिल्खा सिंह का किरदार जो है निभाया था उन्होंने। तो ये वाला घर है दोस्तों, यह जो आप ग्रीनरी वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह जो ग्रीनरी लगी हुई है, तो यही घर है फरहान अख्तर सर का, और उस साइड उनका जो है गेट बना हुआ है, इसी में रहते हैं हमारे जो है मिस्टर फरहान अख्तर। और यहाँ पे जो है आप रेखा जी का घर तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, टीन सेट टाइप के दिख रहे होंगे। तो यही है दोस्तों उनका जो है घर। और यहाँ पर जो है जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कार्यक्रम है, तो पहले हम जो है स्कूल के बच्चों को निकल जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम अभी रेखा मैम के घर के साइड में आ चुके हैं, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है यहाँ बाँस की, जो हमारे गाँव देहात में टटिया होती है ना, बागुड़ बोलते हैं जिससे, उसको यहाँ पे जो है बांस की बना के रखा है उनने। और उनके घर में दोस्तों ज़्यादातर यह है कि लकड़ी का यूज़ करके रखा हुआ है उनने, गेट लकड़ी का है। और यहाँ गार्ड रूम देख सकते हैं आप, गार्ड रूम भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो यही घर है दोस्तों उनका, पुराने समय का बना हुआ है। यह घर आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब चलते हैं हम समुंदर के किनारे। दोस्तों, आपने समुंदर की लहरों को देख लिया है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेखा जी का घर कैसा लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको शाहरुख खान सर का घर मन्नत दिख रहा होगा, और यह है दोस्तों बांद्रा का बैंड स्टैंड एरिया है, यहीं पर सारे फिल्म स्टार्स के घर बने हुए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।